नमस्ते, मैं लक्ष्मी रेड्डी। आज मैं बना रही हूँ चावल की खीर। खीर के लगने वाली सामग्री आधा वाटी ब्राउन चावल है, ये बासमती चावल है। गुड़, 10 बादाम, 10 12 काजू, 15 मनोका, इलायची पाउडर, अचारोली और 1 ग्लास दूध, थोड़ा घी। पहला हम ड्राई फ्रूट्स को गरम करके लेंगे। घी गरम करेंगे। घी गरम हो रहा है, बादाम डालेंगे, थोड़ा हिलाएंगे। काजू डालेंगे, चारोली डालेंगे, मनोका डालेंगे, सब मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट सब लाल हो गया है, ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी इसको निकाल लेंगे अपन बाजू में। अभी टोप रखेंगे, टोप में चावल डालेंगे, अभी 1.5 वाटी पानी डालेंगे और 1 वाटी पानी गर्म करके बीच में डालेंगे। अभी चावल का उबाल आया है, अभी पहला जो फ्राई किया है ड्राई फ्रूट्स को आधा अभी इसमें चावल के साथ पकने को डालेंगे, आधा सजाने के लिए रखेंगे। और ये आधा चावल में जो डाला है वो चावल के साथ पकेगा तो उसका रुचि बहुत अच्छा रहेगा। अब इसको और 5 मिनट पकने देंगे। अभी 1 वाटी गर्म पानी डालेंगे। एक साथ ही ठंडा पानी डालने से जल्दी नहीं पकेगा, इसके लिए बीच में थोड़ा गर्म पानी करके डालना चाहिए। चावल पका है क्या देखेंगे। अभी चावल थोड़ा पकना चाहिए और थोड़ा देर पकाएंगे। अभी गुड़ डालेंगे। गुड़ मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप बढ़ा सकते हैं गुड़ को। ये बहुत हेल्दी खीर है, ब्राउन चावल और गुड़ से बना हुआ है। ये थोड़ा शुगर वाले भी खा सकते हैं। अभी गुड़ डाल के अच्छी तरह मिलाएंगे गुड़ पिघलने तक। बार बार मिलाएंगे, गुड़ को पिघलाएंगे। गुड़ पिघल गया है, अभी इलायची का पाउडर डालेंगे। अभी दूध डालेंगे, दूध डालते हुए मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, धीमी आंच पर डालेंगे दूध। 2-3 मिनट मिलाएंगे। अभी स्टोव बंद करेंगे। अभी बचा हुआ ड्राई फ्रूट से सजाएंगे। अभी खीर बन गया है, ये खीर सभी लोग खा सकते हैं। ये बहुत हेल्दी खीर है, एंजॉय कीजिए।